अब वैसे तो अनाज, लेग्यूम्स और कई और फूड्स को स्प्राउट किया जा सकता है, लेकिन इस वीडियो की चर्चा के लिए सबसे कॉमनली स्प्राउटेड फूड मूंग दाल पकड़ते हैं। अब उदाहरण के लिए तुम 50 ग्राम रॉ मूंग दाल को स्प्राउट करते हो, तो 50 ग्राम अनकुक्ड मूंग दाल तुम्हें 12 ग्राम प्रोटीन, 31 ग्राम कार्ब, 8 ग्राम फाइबर, 175 कैलोरीज और इन मात्राओं में विटामिंस और मिनरल्स देगी। अब स्प्राउट करने पर मूंग दाल लगभग 3 गुना बढ़ जाएगी, मतलब 50 ग्राम रॉ मूंग से मिला 150 ग्राम मूंग स्प्राउट्स। तो जो न्यूट्रिशन 50 ग्राम रॉ मूंग दाल का हुआ, वही 150 ग्राम मूंग स्प्राउट्स का हुआ, राइट? मतलब 150 ग्राम स्प्राउट से तुम्हें यही न्यूट्रिएंट्स मिले। अब अगर तुम 75 ग्राम स्प्राउट्स एक बारी में निपटाते हो तो तुम्हें मिला इसका आधा न्यूट्रिशन, यानी 6 ग्राम प्रोटीन, 15 ग्राम कार्ब, 4 ग्राम फाइबर और 87 कैलोरीज। मतलब तुम्हें एक सर्विंग स्प्राउट से मिलेगा 6 ग्राम प्रोटीन, जो कि एक बहुत बड़ा सोर्स नहीं है, लेकिन बॉटम लाइन यही है, स्प्राउट्स की अच्छी न्यूट्रिएंट डेंसिटी की वजह से इसका चुनाव फायदेमंद होगा। और रही बात प्रोटीन की, उसके लिए बाकी प्रोटीन रिच फूड्स डाइट में शामिल करो, ठीक है? एक बार दोबारा देख लें।